तो स्टार्ट करते हैं बेटा, भक्तिन कहानी के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले कहानी के कौन कौन से पात्र हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। इसमें भक्तिन, भक्तिन की बेटियां, भक्तिन का पति, सास ससुर, जेठ जेठानी और महादेवी वर्मा जो कि इस कहानी की लेखिका हैं। ध्यान से सुनिए बेटा इस कहानी को। इसमें भक्तिन नाम की एक महिला का वर्णन किया गया है जो कि एक दृढ़ संकल्पी महिला है। जब ये छोटी सी थी तो छोटी उम्र में ही इनकी माँ का देहांत हो गया था और इनका पालन पोषण जो है सौतेली माँ ने किया था। 5 वर्ष की छोटी आयु में ही भक्तिन की शादी हो गई थी और वहां पर ससुराल में पहुंचकर उसे अपने अनुकूल वातावरण नहीं मिलता है। भक्तिन की खुद की परिवार में सौतेली माँ जो होती है वो उससे अच्छा व्यवहार नहीं करती है और इसी तरह का माहौल उसे ससुराल में भी मिलता है जहां पर उसके जेठ जेठानी और उसके जो बच्चे हैं वो उसको पसंद नहीं करते हैं। समय व्यतीत होता है धीरे धीरे। फिर समय ऐसा आता है कि उसके जो पिता हैं वो गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं और तत्पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में भक्तिन बहुत उदास हो जाती है, वो अपने आप को बड़ा हताश महसूस करती है। किसी तरह से खुद को संभालने के बाद वो आगे अपनी जिंदगी में चल पड़ती है। भक्तिन के 2 बेटियां होती हैं। क्योंकि उसके कोई लड़का नहीं होता इसीलिए परिवार में जायदाद का भी झगड़ा रहता है। वो ये रहता है कि जो भक्तिन की सौतेली माँ है वो ये चाहती है कि सारी जायदाद, भक्तिन की जो सारी जायदाद है वो उसके नाम हो जाए, यानी उसके बेटे के नाम हो जाए। किसके? उसकी सौतेली माँ के बेटे के नाम हो जाए। तो यही कारण है कि वो भक्तिन को पसंद नहीं करती है। और भक्तिन की जो 2 बेटियां होती हैं वो भी जब अपने परिवार में, ससुराल में जब रहते हैं तो वहां पे भी सारा घर का काम करना और पशु और खेती का ये सब कार्य जो है वो खुद ही देखती हैं, उसकी लड़कियां भक्तिन की और भक्तिन। तो वो 2 बेटियां जो होती हैं देखने भालने में भी इतनी सुंदर नहीं होती हैं जिस कारण घर के सारे ही सदस्य उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। दुर्भाग्यवश भक्तिन के पति का भी कुछ समय बाद ही देहांत हो जाता है और ऐसे ही समय व्यतीतता है। कष्ट की एक और जो है पीड़ा जो है उसके ऊपर एक सहने को और पड़ जाती है, वक्त की मार। और उसके बाद वह अपनी बड़ी बेटी की शादी करती है। बड़ी बेटी की शादी करने के बाद ही कुछ समय ही वह थोड़ा सुकून से अपना जीवन व्यतीत करती है, लेकिन शीघ्र ही उसे यह पता चलता है कि उसकी बड़ी बेटी का जो पति है वो भी इस दुनिया में अब नहीं रहा। तो इस तरह से समय की निरंतर मार जो है भक्तिन पर पड़ती रहती है। कुछ यही कारण हो सकते हैं कि भक्तिन जो है वो अपना असली नाम सभी से छिपाना चाहती है। भक्तिन का वास्तविक जो नाम होता है वो होता है लक्ष्मिन। लक्ष्मिन शब्द का अर्थ है लक्ष्मी, यानी धन की देवी। तो अपनी परिस्थितियां उसको इसके अनुकूल नहीं लगती हैं, बिल्कुल धन के विपरीत उसकी आर्थिक स्थिति होती है, कष्टों भरा उसका जीवन होने के कारण वह ये नहीं चाहती कि किसी को उसका असली नाम पता चले कि लक्ष्मी। कहने को लक्ष्मी है और पास इसके कुछ नहीं है, ना धन, ना धान्य, ना आर्थिक स्थिति में कुछ निपुणता। तो इसी कारण वह अपना नाम जो है सबसे छिपा कर रखती है। खैर, बड़ी बेटी के पति के गुजर जाने के बाद जो जेठ है उसके लड़के का साला अब उसकी बेटी से शादी करना चाहता है, लेकिन उसकी बेटी जो है लक्ष्मण की बेटी इस चीज से, इस बात से इनकार कर देती है। तो एक वो लोग साजिश के तहत इस चीज को अंजाम देते हैं कि वो पंचों का निर्णय अपने पक्ष में ले लेते हैं कि उसकी बेटी, लक्ष्मण की बेटी और जेठ के लड़के के साले की शादी हो जाती है। तो पंचों का निर्णय भी जेठ जेठानी के पक्ष में ही आता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि घर में जायदाद के कारण लड़ाई झगड़े निरंतर बने रहते हैं और जिससे क्या होता है कि घर में बरकत नहीं रहती, आर्थिक स्थिति उनकी निरंतर कमजोर होती जाती है ना। तो इसी तरह से वे निर्णय लेती है कि मैं अब बाहर जाऊंगी, शहर जाऊंगी, शहर जाकर कुछ धन कमाने की कोशिश करूंगी। तो धन की इसी कमी के कारण उसे जो है लगान चुकाने में वो विलंब हो जाता है, लगान नहीं चुका पाती है, जिससे कि उसे एक कठोर दंड भी सहना पड़ता है। पूरा दिन धूप में रहकर वो खड़ी रहती है।
अपने इस सजा को, इस अपमान को वह सह नहीं पाती है और मन ही मन वह दृढ़ निश्चय कर लेती है कि वह भी शहर जाएगी और शहर जाकर मेहनत करके कुछ अच्छे पैसे कमाएगी। शहर पहुंचकर उसकी मुलाकात लेखिका से होती है। लेखिका भी उसी प्रकार से उससे उसका परिचय पूछती है कि आप कौन है, क्या नाम है आपका। तो वहां पर भी वो लेखिका से यही कहती है कि मैं अपना नाम आपको बता दूंगी, किंतु आपसे एक वादा चाहती हूँ कि आप मेरा नाम जो है ये ना बताएं कि ये मेरा नाम लक्ष्मी है, लक्ष्मी है। तो लेखिका इस चीज को स्वीकार कर लेती है कि ठीक है। धीरे धीरे ऐसे ही समय व्यतीत होता जाता है। जो लक्ष्मी है वो लेखिका के घर में घर के सारे काम काज संभालने लगती है, करने लगती है। रोज सुबह को उठकर लक्ष्मी नहाकर पूजा पाठ करती है, सूर्य को जल देती है। तो इस तरह के धार्मिक कार्यों में उसकी जो रुचि है, इसको देखते हुए ही लेखिका लक्ष्मी का नाम भक्तिन रख देती है। तो यहीं से लेकिन जो भक्तिन है उसका नाम भक्तिन पड़ता है ना, क्योंकि उसके गले में एक माला भी पड़ी होती है जो उसका स्वरूप जो है वो बिल्कुल एक भक्तिन के समान प्रतीत होता है। उसके बाद क्या होता है कि दूसरों को वो अपने जैसा बनाने की कोशिश करती है। कौन? लक्ष्मी। लक्ष्मी का स्वभाव ऐसा है कि वो दूसरों को अपने ही रूप में ढालने की कोशिश करती है, लेकिन स्वयं किसी की बात को वो नहीं मानना चाहती और अपने आप में वो किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं करना चाहती। कहानी के माध्यम से हमें लक्ष्मी के तर्क वितर्क की भावना का भी पता चलता है कि किस तरह से वो लेखिका के साथ तर्क वितर्क करने में भी माहिर होती है। महादेवी उससे कहती है कि आपने सिर मुंडवा रखा है, ये उसको पसंद नहीं है, यानी महादेवी को ये चीज पसंद नहीं थी। किंतु ये कहती है कि अगर मैं ऐसा ना करूं तो ये मेरी परंपराओं के या मेरी संस्कारों के खिलाफ होगा, क्योंकि प्राचीन समय में ऐसी कोई परंपराएं रहती थी कि जैसे पति अगर जिसका नहीं होता था तो उस महिला के सिर के बाल जो है वो सब कटवा दिए जाते थे, तो वो अपनी इसी परंपरा को निभाए हुए रहती थी। यह जो है बात वो लेखिका को प्रभावित करती है। इसी तरह से लेखिका व भक्तिन के बीच में धीरे धीरे अच्छे संबंध जो है स्थापित होने लगते हैं। लेखिका भी लक्ष्मी के जो विचार हैं उन चीजों से सहमत होते हुए उससे प्रभावित होती जाती है। दूसरा ये है कि लेखिका के प्रति जो सेवा का भाव है वो बहुत ज्यादा उसमें दिखाई देता है, कि जैसे खाना बनाना उसके लिए बहुत अच्छा सा, बिल्कुल गांव में जैसे खाना बनता है उस तरह से खाना बनाना। जब लेखिका अपना कोई काम करती है लिखने पढ़ने का, तो उनको पेन कॉपी पुस्तक वगैरह ये सब चीजों को तुरंत उठा के देने में उसकी मदद करना, तो ये सहयोग की भावना जो है वो लक्ष्मी के अंदर बहुत थी। उसी तरह से लेखिका और भक्तिन के बीच में जो ये स्वामी और सेविका का संबंध था वो किस तरह में बदल गया है, वो आत्मिक संबंध के रूप में विकसित हो जाता है ना, यानी उनमें एक आत्मा का संबंध स्थापित हो जाता है। इस प्रकार हम इस कहानी में ये देखते हैं कि किस प्रकार एक दृढ़ संकल्पी महिला ने अपनी सारी समस्याओं और कठिनाइयों का बड़े ही संघर्षपूर्ण उसने अपना इन सब का जो है सामना किया और अपने ही बल पर आगे बढ़ने की उसने ठानी और अपने कार्यों को उसने सिद्ध किया। तो इसी प्रकार हर महिला में इसी तरह का जुनून होना चाहिए और इसी तरह के उसके अंदर संस्कार भी होने चाहिए और बाकी अपने कार्य को अपने ही बल पर जो है हल करने की उसके अंदर सामर्थ्य होनी चाहिए। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक, ये कहानी समझ में आ गई होगी। इसके बाद मैं आपको इसी चैप्टर के नोट्स दूंगी जो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। आप अपनी नोटबुक को टू पार्ट्स में जैसे डिवाइड करते हैं गद्यखंड और काव्यखंड अलग अलग से, वैसे ही इसको डिवाइड करके चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे गद्यखंड में। ठीक है, हैव अ नाइस डे।